क्या हो गया फैजी भाई? मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे हुए बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूला कीजिए और अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आज न्यूज़ कराची देखते रहिए। नाज़रीन, आज हम यहाँ मौजूद हैं फैज़ी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, खुद फैज़ी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमने फैज़ी को जो है यहाँ बुलवाया है। वजह इस बात की ये है कि हमें कुछ इलाका, ये रेजिडेंशियल इलाका है, चारों तरफ यहाँ मकानात हैं, लोग रहते हैं, काफ़ी खौफनाक सी ये जगह है। अक्सर लोगों की शिकायत थी कि जब वो रात को यहाँ से गुजरते हैं तो कुछ आवाज़ें उनको महसूस होती हैं, ऐसा लगता है कि कोई यहाँ से चल रहा है या किसी की मतलब कोई अक्स नज़र आता है उन लोगों को। ऐसा महसूस होता है उनको कि 12 बजे के बाद यहाँ पर कोई घुंघरू की आवाज़ महसूस होती है, कोई लेडीज़ का अक्स देखा गया है यहाँ पर। तो आज हमारे साथ फैज़ी मौजूद हैं और हम फैज़ी से बोलेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़ कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फैज़ी भाई? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है फैज़ी भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में और हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को आप कवरेज करेंगे। और कब रिलीज़ करेंगे इसके बारे में तो खैर मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बातें बताएंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ सुना गया है फैज़ी भाई, आपने जगह देखी, जगह ये जो है बहुत ज़्यादा खौफनाक है, पुराने पुराने से यहाँ पेड़ लगे हुए, पता नहीं कब के लगे हुए, हम नहीं जानते इसके बारे में। आप इस जगह को देख के क्या कहते हैं, क्योंकि आपका एक आइडिया है, आपने इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम किया है। हाँ, मैंने कहा तो है, लेकिन मेरे पास इसकी वीडियो जो है पहले आ चुकी थी, मेरे पास वीडियो दिन में किसी ने मेरे पास वीडियो बना के भेजी थी कि यहाँ पर ये हॉन्टेड जगह है और उसको मैं अपने चैनल पर चला दूँगा, मैं कि जगह की जो दिन में जो वीडियो बनाई गई थी वो दिखा दूँगा मैं। और अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग गुजारेंगे, 5-6 घंटे गुजारेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारे साथ क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। हम तो जाते हैं और आप पर हम लोगों को पहले बता दिया जाता है यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अकेले मत जाना, लेकिन हम जाते हैं तो कोई कोई जगह ऐसी होती है जाते हैं हमारे साथ खुश हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ हमें मिलता भी नहीं है और वो एपिसोड हम चलाते भी नहीं हैं, आप लोगों को नहीं दिखाते हम लोग। और कुछ जगह ऐसी होती है हम लोग जाते हैं 10 मिनट हमें रुके हुए होते हैं बस, और हैपनिंग वहाँ पर हमारे साथ शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर और असलम भाई हमारे साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। जैसे हम आए हैं अपने हाथ पैरों पे उसी तरह हम इंशाल्लाह जाएंगे सही साफ सही सलामत इंशाल्लाह, हमें कुछ नहीं होगा। जी नाज़रीन, तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो रहा है और हम यहाँ मौजूद हैं। असल में जब हमारी एंट्री हुई है तो हम तो एक लम्हे के लिए हम खुद भी थोड़े से घबरा से गए, क्योंकि एक बिल्कुल गुप अंधेरा और एक सन्नाटा, एक अजीब सी सरसराहट सी महसूस। तो हम नेक्स्ट आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि हमने यहाँ पे क्या देखा और वो पूरा प्रोग्राम आपके सामने ले करेंगे। हमें देखते रहिए आज न्यूज़ कराची में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं यहाँ पर, और विज़िट हम लोगों ने करी नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला हम लोगों को, यहाँ पर पूछते पूछते इतना टाइम हो गया और स्टार्ट करते हैं। आइए असलम भाई। तो जगह काफ़ी बड़ी है और आकिब हमारे साथ हैं, हमारे पुराने कैमरामैन। मसला ये था कि बैकअप टीम थी यहाँ पर मौजूद थी ना, उनको हमने भेज दिया वहाँ पर, और दूसरी क्लास चेक कर दें। स्कूल के पास जो है ना रोड वगैरह है यहाँ पर, तो गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत गुंजान इलाका है, हर तरफ चारों तरफ इसके घर बने हैं। अरे फैजी भाई, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रहा है। फैजी भाई, 12 सालों से जगह जो है खुली नहीं है, जो इलाका मकीन ने मुझे बताया कि 12 साल से हमने ये जगह खोली नहीं है। मुस्लिम भाई, आपने एक चीज नोट कर ली, इस जगह पे कितना ज्यादा अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा है इस जगह।
कुत्ते भौंकने लगे हैं श्रीलंका में। हाँ, एक अजीब सा शोर ही शुरू हो गया। पत्थर पड़ेगा ना उसका। रजी भाई, जो मुझे बताया गया ना इलाज कंपनी ने, जो मुझे बताया जो यहाँ के बारे में जो बताया कि वो जो एक साइड का जो इलाका है ना, ये अक्सर पेड़ हिलते हुए नजर आए हैं लोगों को। कोई आवाज नहीं आती, कोई आवाज नहीं आती। कैमरे में रिपोर्ट हुई होगी। चले कोई सरसराहट की आवाज थी। आकिब शेख टीवी।
सुन लिया होगा आप लोगों ने आकिब शेख टीवी। जी आकिब शेख टीवी बनाया इन्होंने और वीडियो अपलोड करी है। तो हमारे इनके जो प्लान थे इन्होंने मुझे कहा था कि आप जब शूट करने के लिए जाते हैं वहाँ पर तो दिन में जो विजिट जो है वो मैं कर लिया करूँगा। मैंने सोचा ठीक है आप दिन में विजिट करके आप वहाँ तो दिन में जो विजिट जो है वो मैं कर लिया करूँगा। मैंने सोचा ठीक है आप दिन में विजिट करके आप वहाँ लोग चले गए ना चले गए सर बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। हाँ गाड़ियों की आवाज़ आ रही है तो गाड़ी आने तो आ रही है। आओ आगे। हाँ जगह बहुत बड़ी है ना। जगह तो काफी बड़ी है। हर क्लास में जो है ना थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ पर। सही है हर क्लास में रुकते हैं और फिर कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। यदि भाई आराम आराम से चले आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं। मैं कैमरा लेके चल रहा हूँ ना। तो ये क्या खिड़की के अंदर यदि भाई कुछ था झांक रहा था अंदर से ना क्लास से वहाँ से तो अभी आए हैं। मैंने मैंने देखा है कि कुछ झांक रहा था। मैंने अभी देखा है कुछ झांक रहा था और यही यही से ये आखिरी 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 वाली खिड़की में तो कुछ झांक रहा था। एकदम जो है ना कैमरा उसके अंदर करो एकदम करो लाइट नीचे करो पहले एकदम फिर ऊपर कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं कुछ झांक रहा था कुछ झांक रहा था। अच्छा यहीं से मैं खड़ा होकर झांक रहा था ना जब आप क्लास मुझे महसूस हुआ था जब मैं वहाँ से खड़ा होकर यहाँ झांक रहा था जी। अभी तुमने बताया कि यहाँ से कोई झांक रहा है। वो बिल्ली कैसे बैठी हुई फिजिकल में देख रही है। हाँ ये बैठी हुई अरे बैठी हुई आवाज़ आ रही है वहाँ कलम चलने की किसी की फिजिकल में बिल्ली रेगुलर देख रही है। ये देखें देखें ये देखें ये देखें मैं जूम कर रहा हूँ इधर आए ये देखें वो बैठी हुई। हाँ ये बैठी हुई हाँ हिल भी नहीं रही पेड़ के ऊपर से हिल भी नहीं रही अजीब तरीके से बैठी थी। और अजीब ये गाँव ही है और ये आके मैं एक बात बताऊँ ये मुझे भी खौफ दिला रही है इस तरीके से मैं देख रही हूँ। फैजी भाई और उसकी आँख आपने जब ये बोला है ना आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से फैजी भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पढ़ाई चल रही थी। किताबें रखी हुई यार यार पता है क्या मैं आपको एक बात बताऊँ आखिर एक सीरियस बात है जो मेरे दिल में अभी एक अचानक से एक बात आई है। हमारे घर का जो सहन होता है ना उसका जो सहन में पानी डाल दो पानी डालने के बाद वो पानी सारा जमा होकर एक कोने में आ जाता है। तो इस पूरी लोकेशन में ना अभी तो हमने पूरी तरीके से दिखाई भी नहीं है पूरी लोकेशन में मुझे ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है सारा पावर सारी एनर्जी जो है ना यहाँ पर है। सही और मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैठ के जो है लोग कोई मखलूक
تعلیم حاصل کر رہی ہے اس ٹائم پہ موجود ہے. تو کیا آواز آ رہی ہے؟ آوازیں آ رہی ہیں باہر سے کتے. نزی بھائی بتا رہا آپ کو یہ تھا کہ سب سے بڑی جو آج جو دوپہر میں جو ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا تھا وہ ان کی جو دیوار ہے نا اس کی دیوار سے بہت ملتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس اسکول کے پیچھے کا جو ایریا ہے جہاں پر ٹوٹل مطلب پیک کیا ہوا اس کو جھال وال لگے ہوئے وہاں سے اکثر کسی خاتون کے چلنے کی آواز آتی ہے. مطلب کوئی رات کو وائٹ کپڑے پہن کے وہاں سے گزر رہا تھا اس کا عکس نظر آتا ہے ان کو. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو جگہ دکھاؤں گا. پہلے میں آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں, آپ آئیں ذرا. آپ ذرا ان کو وہ چیز دکھاتے ہیں جہاں میرے کو کچھ نظر آیا. آپ کو یاد ہے جب ہم پیاس کرنے گئے تھے میں وہاں سے جھانک رہا تھا. جی 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 آپ کی اب جب آپ چلے گئے تھے یہاں سے تو آپ کی مطلب ہم وہاں سے بھی نظر آیا. پھر جب ہم نے گرب کے اوپر جب میں فوکس کیا ہے نا آپ کی میری نظر پڑ گئی اس بلی پہ. آپ نہیں ہے؟ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بالکل جٹ بلیک جو ہے نا بلی بیٹھی تھی یہاں پر ہمیں گھور رہی تھی. اب نہیں ہے اس ٹائم پہ آپ کو کہا تھا نا تھی وہ. اچھا ہم تین بندے ہو گئے تو وہ چیز نہیں ہے. ہاں اس ٹائم پہ میرے کو ظاہر ہوئی تھی وہ. ایسے ہی باندھا ہوا ہے یا کوئی بجائے باندھنے کی؟ پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. بجائے باندھنے کی بھائی پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. لگ رہا ہے ہمیں نا کوئی بھگانے کی کوشش کر رہا ہے. آخر ان میں سے آواز آئی ہے. لگ رہا ہے ہمیں نا کوئی بھگانے کی کوشش کر رہا ہے. آگے دروازے کے پاس پاس ہی رہنا, اللہ نہ کرے دروازہ بند نہ ہو جائے. ہاں یہ دو ابھی جو ہمارے کو آواز جو آئی تھی ابھی شادی میں جو لگ رہا ہے ریکارڈنگ میں پرابلم نہ ہو رہا ہو کیونکہ یہ آواز جو ہے نا گونج رہی ہے. تو یہ لیکن یہ آواز الگ ہے وہ بھاری ہوتی ہے اس کو اٹھانا اتنا آسان ہے اور ویسے بھی لوہے کی آواز آ رہی ہے. آواز یہ تو لوہے کی آواز آئے گی لوہے کی. یہاں پر کوئی لکڑی میں لکڑی اوپر سے لگتی لیکن نیچے سے جو ہے نا یہ لوہے آئے اینگل ہے اس کی. ایسا تو نہیں کہ بینچوں کے اوپر کوئی چیز آ کے لگی ہو؟ سر بینچوں پر اگر کوئی چیز لگی ہوتی پھر جی بھائی تو آپ دیکھو کوئی نشان تو ہوتی نا. آپ یہ دیکھو ساری کی ساری بینچوں کو سیم ویسی ہوتی ہے اس میں نہ کسی کا بندہ ہے نہ کوئی چیز ہے بالکل ویسی ہی ہے ایسے بھی ویسے اچھی ہوئی ہے. کھول سکتے نہیں یار اس کو نہیں کھولو. پتہ نہیں کس نے بند کرا ہوا کیا وجہ ہے کب سے بند ہے یہ ہم کھولے تو پتہ نہیں. مجھے ایسا جو لگ رہا ہے نا سر میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی تعلیم چل رہی ہے ابھی لوگ پڑھ رہے ہیں. نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے ڈیسکوں کو دیکھ کے کہ یہاں کوئی پڑھ رہا ہے؟ نہیں مطلب میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا. اچھا ایسا ہو سکتا ہے مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے اندر سے. کھولیں اللہ کا نام لے کے دیکھتے ہیں. میں آپ کو یہ دکھایا ہوگا آگے ذرا روشنی کرنے روشن آ گئی یار بکیں کھلی رکھی ہوئی ہیں یہ تو اور ایسا لگ رہا ہے بالکل تازے صفحے پڑے ہوئے ہیں بالکل. ریکارڈ ہو رہا ہے آگے؟ ہاں یہ دیکھیے کاغذ کے اوپر مٹی بالکل بھی نہیں ہے. آ جائیں آ جائیں. بھائی کھول تو رہے ہیں آپ اجازت لے کے کھولیں. ارے ہاں وہ جو آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے. Thank you.
बंद करो बंद करो, लेडीज की आवाज आ रही है। हाँ लेडीज की आवाज, हाँ लेडीज की आवाज आई है, आपने सुनी? भाई मैंने सुनी है, लेकिन कोई कुटी नहीं खोलने दे रहा। हाँ इसका कोई और दरवाजा भी है क्या? नहीं इसका दरवाजा सिर्फ बाहरी दरवाजा है जो बंद है। भाई देख के खुले हैं, कुंडी में उंगली फंस गई। फैजी भाई आपने एक चीज़ नोट नहीं करी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये देखें कि डेस्क पर मट्टी लेके आओ कितनी है, और ये बिल्कुल भूख जाना बिल्कुल साफ होगा, कोई मट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ये देखें टेबलों की हालत देखें, और भूख बिल्कुल ऐसी पड़ी है बिल्कुल, इसमें कि कोई धूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, जैसे कोई करंट किसी ने किताब खोली हो। क्या हमारे अलावा भी कोई मौजूद है यहाँ पर? खुशबू सी भी आ रही है ना। अगर कैमरे की अगर नाक होती तो आप लोगों को शायद खुशबू आ जाती, तो हम लोग जो यहाँ महसूस कर सकते हैं वो हम कभी कभी हमारे पर लफ्ज़ नहीं होते हम उसको बयां करें, तो हम जो यहाँ महसूस कर रहे हैं जो सूंघ रहे हैं वो हम आपको बता नहीं सकते। नाजरीन आप देखें असल में ठंडा मौसम हो गया है और घबराहट के बारे में मेरे पसीने निकल रहे हैं, क्योंकि मैं कभी ऐसी जगह को मैंने फील नहीं करा। आज मैं पहली बार फैजी भाई के साथ ऐसी जगह पर मौजूद हूँ और हकीकत जो है मेरे पसीने निकल रहे हैं जी, रिकॉर्ड हो। देखो एक चीज़ देखो, कॉपी जो है इसके ऊपर रखी गई, आगे ये चीज दिखाना, ये कॉपी इसके ऊपर रखी गई थी, यहाँ मट्टी नहीं है। जब ये यहाँ ऐसे रखी गई तो इसके ऊपर मट्टी क्यों नहीं, फिर उसके ऊपर मट्टी होनी चाहिए। यानी कि आपने जब एंट्री कर रहे थे तो आपने सही बताया कि यहाँ पे कोई स्टडी कर रहा है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो बैठ के पड़ रही है यहाँ पे। अगर कैमरा दिल की धड़कन दिखाता तो मैं आपको दिल की धड़कन जरूर दिखा देता कि मेरे दिल में कितनी वाइब्रेशन हो रही है इस टाइम पे, और दिल क्या कह रहा है मेरा इस टाइम में, बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये। इसको बंद करते हैं या वैसे आगे बाहर आ जाओ, इसको बंद कर देता हूँ मैं। हाँ। उए। उए। डेक किसकी थी ना? ये ऊपर से भी कुछ टूट नहीं रहा है, ऐसा ऐसा होता है ऊपर से होती है इसमें टूटने का सवाल ही नहीं होता। भाई हम जा रहे हैं, वैसे भी अगर हमसे किसी को शिकायत है तो हमारी तरफ से माजरत, हमारी फैजी भाई की तरफ से माजरत, हम निकल रहे हैं यहाँ से। करीब आओ
मैं खिड़की खोल लूँ, आपने डायरेक्टली बनानी है। अजीब सी स्मेल, क्लास को छोड़ो, क्लास को छोड़ो, आपने सुनो, क्लास को छोड़ो, आपने नहीं सुना? सुना है मैंने। ये जो आवाज आई है ये अंदर से आई अभी? जी। क्लास को छोड़ो, क्लास को, उई 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 फ्रिजी बॉय, फ्रिजी बॉय नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। मैंने आपको बोला आवाज आई है, क्लास को छोड़ो, मैंने आपको बोला ना मुझे आवाज आई है, क्लास को छोड़ो। मैंने उस रूम का जो है ना दरवाजा खिड़की खोली थी, तो खोला और ये आवाज़ें आने लग गई यहाँ पर, तो अंदर चल के देखते हैं। हम जाने से पहले दरवाज़ा इसलिए खटका रहे थे कि वो आधा ही हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम से बंद तो है क्योंकि झाड़ियों के अंदर आ रही है, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ गई है ऊपर जाके, एक खामोशी हो गई, बिल्कुल एकदम शोर हुआ, कवे आया और एकदम सन्नाटा हो गया। पूरा मेरा अलग अलग क्लासरूम का टाइम गुजारते हैं, मतलब तकरीबन सवा एक डेढ़ घंटा हो चुका है हम लोगों को एक जगह आए हैं, और असल में आपके पास मैंने ये कह रहा था, अगर आपके ऊपर डर ना लगे तो आप किसी क्लास में बैठे, हम यहाँ बैठते हैं, अलग अलग क्लास में बैठते हैं और टाइम गुजारते हैं। क्या हो गया फैजी भाई? फैजी भाई दुआएं दुआएं पढ़ो, दुआएं नहीं खुला भाई, या असल में किसको फोन करें? भारतीय मेकअप टीम होगा ना, उसको बुलवाएं भाई, मेरा मोबाइल भी भारी पड़ा हुआ है यार, कोई मुस्तकिल कोई चीज़ टच हो रही है ना। फिर भाई मैं बोल रहा था आप लोगों को, आप क्लास में आ गए इतना, फिर भाई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है, बहुत मसला हो गया ये।
मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूला कीजिए और अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दीजिए। प्लीज़।